बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। गर्मी का मौसम था, हम निकले नीटी जेटी किए। किधर जाता है ओ रिक्शा, अबे चालान कराएगा बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर। घर के बीच में हलारी डलारी डलारी डा क्रोकोडाइल के बच्चे को हाथ में उठाया, तो वैसे मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी क्रोकोडाइल के बच्चे को हाथ में उठाऊं और मंगू पी जाऊं। एक रिक्शे वाले अंकल ने हमें बताया हम लोग मंगू पी कैसे जाएं, जगह बताई कैसे जाएं। मंगा फिर पांच नंबर ये अपना दो किलोमीटर एक किलोमीटर बाद पुल आएगा और पुल के बाद आप नीचे जाओ पुल के साथ साथ फिर यू कर लेके सीधा मंगा फिर गरम से गरम से। न जगह न बहुत लंबा था और सारा खराब था, और जो हमने हलवा पूरी खाई वो सारी मिक्स मिक्स हो गई हमारे पेट में, और ना ऐसा और मिक्स हो गई तो हमारा मेरा ना पेट इतना दर्द करा और नींद भी बहुत आई। एक फकीर मलंग था, उसके बाद चादर था, उसने एक बार उसको झटकाया तो जुए निकली और उसके बाद वो ना जुए क्रोकोडाइल बन गई और वो क्रोकोडाइल वही है, ये मेरी दादी ने बताया है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है ये सच है। गोभी में 200 मगरमच्छ है और कुछ लोग आते हैं गोश्त लेकर आते हैं और देते हैं, और उनने ना द क्रोकोडाइल्स के ना टाइम भी रखे खाने के, और बच्चे भी ना इतने अच्छे थे उनके। ये
लॉकडाउन था, वजह से उनने हमें अलाउ किया भी नहीं हम लोग वीडियो बना सके। फिर कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, कॉकरोडाइल्स को, इतने अच्छे थे वो कॉकरोडाइल्स। अभी वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी हम लोग आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। बाय। इससे